अगर आप इस तरह से पॉलिश करेंगे तो आपकी फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आएगी और माल भी कम लगेगा और रेशा भी पूरा दिखेगा इसमें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम खर्चे में मेलामाइन पॉलिश कैसे होती है। तो ये मैं आपको एक सागौन की लकड़ी के पर बना के दिखाऊंगा। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडर लेना है हमें, क्योंकि लकड़ी जितनी भी स्मूथ दिखे वो पूरी स्मूथ बराबर नहीं होती है। पॉलिश करने के बाद में उसमें ऊंचा नीचा दिखता है, तो उसके लिए हमें ग्राइंडर की जरूरत पड़ेगी एक। अगर आपकी लकड़ी ज़्यादा ऊंची नीची ज़्यादा ख़राब दिखती है तो उसके लिए आप 80 नंबर का रेगमाल प्रयोग कीजिए। बाकी अगर आपकी लकड़ी सही प्रॉपर बराबर दिखती है तो उसके लिए 100 नंबर या 120 नंबर का रेगमाल प्रयोग कीजिए। तो मैं इसमें 100 नंबर का रेगमाल प्रयोग करूँगा। तो इस तरह से पूरी लकड़ी के ऊपर लगा देना है इसको, इससे पूरी लकड़ी पूरी बराबर हो जाएगी और कहीं निशान भी नहीं रहेंगे ज़्यादा। और ये अब हो गई लकड़ी पूरी बराबर हो चुकी है ये। अब इसके ऊपर हम 100 नंबर का रेगमाल लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो ग्राइंडर चलाते हैं ना उसके निशान आ जाते हैं थोड़े थोड़े, तो उसकी कटाई करने के लिए 100 नंबर का पट्टी वाला रेगमाल लगाएंगे इसके ऊपर। और इसको दबा के अच्छी तरह से रगड़ देना है ताकि निशान ना रहे इसमें। फिर से साफ कर लेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर मारेंगे स्पिरिट पॉलिश। ये स्पिरिट पॉलिश है, ये स्पिरिट और लाकदाना को मिक्स करके बनाई जाती है। इसको छान के इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर। दो तीन हाथ मारने के बाद में इसको छोड़ देंगे 5-7 मिनट के लिए ताकि ये सूख जाए। उसके बाद में ब्राउन सेना लेना है, ये है ब्राउन सेना, और इसको पानी में घोलना है। ये सूखा पाउडर होता है ब्राउन, इसको पानी में घोल के इसके ऊपर लगा देना है कपड़े से या ब्रश से, जैसे मर्जी उसे लगा सकते हैं इसके ऊपर। इसके 2-3 हाथ मार लेंगे ताकि इसकी जो नस है वो भर जाए और कलर भी हो जाएगा इससे हल्का हल्का। ये पाउडर डालने से फायदा एक होगा कि माल अपना कम लगेगा और कलर भी नस के अंदर चला जाएगा, जिससे कि इसकी लुक बढ़िया दिखेगी थोड़ी सी। और इस तरह कपड़े से मारने के बाद में इसको पत्ती से खींच देना है। ये पत्ती से खींच देना ताकि जो पाउडर है वो नस के अंदर चला जाएगा। फिर इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिनट। सूखने के बाद में इसके ऊपर रेगमाल लगाना है 150 नंबर का वाटर प्रूफ रेगमाल, और इसको अच्छी तरह से दबा के लगा देना है ताकि जो ऊपर पाउडर लगा है वो निकल जाए, बाकी जो नस के अंदर चला गया है वो तो निकलेगा ही नहीं। एक मिनट लगाने के बाद साफ कर लेंगे इसको, उसके बाद में मारेंगे स्पिरिट पॉलिश। ये देख लीजिए, हल्का हल्का चला गया है इसके अंदर, कलर भी हो गया है और इसकी नस भी भर गई है, इससे आपका माल कम लगेगा। और इसी तरह से 2-3 हाथ मार लेने हैं इसके ऊपर, फिर से सूखने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर। सूखने के बाद में इसके ऊपर रेगमाल लगाएंगे 220 नंबर का वाटर प्रूफ रेगमाल।
और फिर इसके बाद कलर करना है। कलर अगर आपको वॉलनट टोन रेड टोन पे करना है तो वॉलनट कलर कर दीजिए, अगर ब्लैक टोन पे करना है तो ये मेरे पास चारकोल है, मैं यही बैंगे कलर करने जा रहा हूँ हल्का सा। तो उसके लिए पॉलिश में चारकोल मिक्स करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कलर इसके ऊपर चढ़ गया है ऑलरेडी थोड़ा सा। बाकी इसको और ब्लैक करना है तो और ब्लैक कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और ब्लैक करूँगा। इसको जितना डार्क करना हो आप उतनी गद्दी इसके ऊपर मार दीजिए, उतना डार्क होता चला जाएगा। और इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ही चढ़ाना है ताकि इसकी जो रेशा है वो ना दबे, बिल्कुल सूखे सूखे हाथ से। और ये हो गया कलर। अब इसके ऊपर आप अगर आपको प्यू पॉलिश करनी है तो प्यू कर सकते हैं, अगर मेलामाइन करनी है तो मेलामाइन भी कर सकते हैं। या दूसरी कोई हाथ वाली पॉलिश करनी है लाइकर पॉलिश वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर मेलामाइन पॉलिश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मारेंगे इसके ऊपर सीलर, मेलामाइन सीलर। सीलर बनाने के लिए 1 लीटर सीलर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 या 250 ग्राम तक मेलामाइन थिनर पड़ेगा। और इसके ऊपर मार देंगे, ये लग गया इसके ऊपर सीलर। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। और इसके ऊपर जो सामान लगना है, 1 नंबर पे है रेगमाल, 100 नंबर का, 220 नंबर का, 320 नंबर का, 2 नंबर स्पीड पॉलिश, 3 चारकोल, ये कलर है। इसकी जगह पे आप वॉलनट भी ले सकते हैं, 4 वुड फिलर प्लस ब्राउन सेना, 5 मेलामाइन सीलर, 6 मेलामाइन ग्लोसी, 7 मेलामाइन थिनर, 124 नंबर। सूखने के बाद में इसके ऊपर रिपेयर चेक करनी है हमें, जैसे यहाँ पे टूटा हुआ है तो इसकी रिपेयर कर लेंगे। अब रिपेयर इसकी वुड फिलर से अगर करनी है तो वॉलनट कलर का वुड फिलर लेना पड़ेगा, जिस तरह का लकड़ी का कलर है हो गया है अब उस तरह का वुड फिलर लेना है और इसकी रिपेयर कर देनी है। रिपेयर करने के बाद थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद में रेगमाल लगाना है इसके ऊपर। अब 220 नंबर या 320 नंबर का रेगमाल प्रयोग कर सकते हैं। इसको अगर पानी से लगाना चाहते हैं तो पानी से भी लगा सकते हैं, अगर सूखा लगाना है तो सूखा भी लगा देंगे। और इस तरह से इसको रगड़ देना है अच्छी तरह से। उसके बाद में मारेंगे स्पीड पॉलिश, एक दो हाथ। आप चाहें तो इसके ऊपर अगर कलर आपको लगता है कि सेट नहीं हुआ तो कलर भी मार सकते हैं, जो कलर पहले बनाया गया था स्पीड में घोल के। और ये मैंने कर दिया पूरा। अब इसके ऊपर फिनिश कोट देना है। फिनिश कोट के लिए अगर आपको मैट करना है तो मैट कर दीजिए, अगर ग्लोसी करना है तो ग्लोसी कर दीजिए। मैं इसके ऊपर मेलामाइन ग्लोसी करने जा रहा हूँ। ग्लोसी बनाने का प्रोसेस सेम ही है, 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम थिनर। और इसके ऊपर मार देंगे, और ये मैंने मार दिया इसके ऊपर ग्लोसी, मेलामाइन ग्लोसी मारी हुई इसके ऊपर। अब अगर आपको इसके ऊपर डबल कोट लगाने की जरूरत है तो सूखने के बाद में जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर 320 या 400 नंबर का रेगमल लगा के इसके ऊपर डबल कोट मार सकते हैं। अगर आपको लगे कि सही नहीं हुआ है तो उसके ऊपर डबल कोट भी मार सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।